शुरुआत करेंगे लोकसभा चुनाव से जुड़े हुए बड़े अपडेट के साथ। बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है और मध्य प्रदेश में जो 5 सीटें होल्ड पर थीं या जिन पे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं हुआ था वो अब साफ कर दिया गया है। छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू को मौका मिला है, पिता के बाद अब वो पुत्र नकुलनाथ को भी टक्कर देने के लिए तैयार हैं। धार से सावित्री ठाकुर को टिकट दिया गया है, इंदौर से शंकर लालवानी को टिकट मिला है, ये दोबारा रिपीट हुए हैं। उज्जैन से अनिल फिरोजिया, ये भी दोबारा रिपीट हुए हैं, प्रत्याशी बनाए गए हैं। बालाघाट से नाम चौंकाने वाला डॉक्टर भारती पारधी प्रत्याशी हैं। अब मध्य प्रदेश में सभी 29 सीटों पर बीजेपी ने अपने चेहरे साफ कर दिए हैं। बीजेपी ने अपने सभी 29 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। इसके बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी एनडीए के साथ मिलकर अब की बार 400 पार होगी। प्रदेश की 29 सीट बीजेपी जीतेगी, ये मेरा विश्वास है। सीएम ने लोकसभा के सभी 29 उम्मीदवारों को बधाई भी दी। पाँच नहीं 29 की 29 सीट हमने लोकसभा की डिक्लेयर कर दी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार भी होगी एनडीए के माध्यम से और प्रदेश की सभी सीटें जीतेंगे। मेरी अपनी ओर से माननीय शंकर ललवानी जी को, माननीय अनिल फिरोजिया जी उज्जैन लोकसभा से, श्रीमती कविता पारधी हमारी अपनी बेटी बालाघाट से, सावित्री ठाकुर धार से और बंटी साहू छिंदवाड़ा से, सभी मित्रों को बधाई और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सब लोग लगेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान किया, उन्होंने सागर में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोलने की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के सीनियर लीडर रहे सुरेश पचौरी अब बीजेपी में शामिल है। इस दौरान न्यूज 18 से उन्होंने खास बातचीत की। सुरेश पचौरी ने कहा कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराना दिल को चोट पहुंचाने वाला था। सवाल इस बात का है कि 2011 से 2024 के बीच क्या हुआ, जरा इसको याद कर लें, वो वक्तव्यवीर जो ये सारी बातें कह रहे हैं। मैंने तो इस पीरियड में कोई पद नहीं मांगा था, लेकिन अगर कोई बात थी तो वो मेरे साथियों को नागवार गुजरती थी कि हमें दरकिनार करके रखा गया है, हमारा अनादर हो रहा है। लेकिन पोस्ट की बात है, जैसा मैंने कहा, मैं जब इन सब पोस्टों पे रह चुका तो अब और किस बात की चाहत रखता। हेमा मालिनी को लेकर मंत्री विजय शाह के बयान पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अवनीश बुंदेला ने कहा कि भाजपा के नेता पहले भी महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। हेमा मालिनी को लेकर कई बार गलत बयानबाजी की गई। विजय शाह पहले भी विद्या बालन को लेकर विवादों में रहे। बीजेपी महिलाओं का सम्मान नहीं करती। हेमा मालिनी जी के बारे में भाजपा के नेताओं ने पहली बार गलत बयानी नहीं की है। इसके पहले भी आप देखें तो उनके गालों को लेकर भी भाजपा के नेता गलत बयानी करते रहे हैं। जब नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री थे तो उन्होंने कहा था हमने हेमा मालिनी जी को दतिया में नचवा दिया, मतलब उनको नचनिया बताया। और इसके अलावा इनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देख लो, उन्होंने खुद कहा था कि लड़की अचार बेचेगी तो ज्यादा बिकेगा। सुरंदा पुष्कर जी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। और अब विजय शाह जी का जो बयान है मालिनी के बारे में तो दर्शाता है कि भाजपा के नेताओं की असलियत में यही सोच है महिलाओं के प्रति, और हेमा मालिनी जैसी कलाकार के प्रति, जो उनकी पार्टी की सांसद भी हैं, ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है। भड़काऊ बयान देकर सुर्खियों में रहने वाले फूल सिंह बरैया को भिंड से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया है, लेकिन बरैया के बयान देने का सिलसिला थमा नहीं है। बरैया ने फिर एक बार
विवादित बयान दिया। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की सरकार केंद्र में बनी रही तो मुस्लिम और दलितों की गर्दन कटेगी। वहीं सीएए लागू होने पर कहा कि बीजेपी मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। भारत में रहने वाले 98% मुस्लिम कन्वर्टेड है, चाहे तो उनका डीएनए कर लिया जाए। अगर सत्ता में रहती है, ये तो नहीं कहूंगा कि फिर सत्ता में आएगी, नहीं आप लोग पकड़ लेंगे, सत्ता में अगर रहती है तो मुसलमानों का दलितों का सबसे पहले अगर गर्दन काटी जाएगी तो इनकी काटेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। आपका एक बयान सुर्खियों में रहा है जिसमें आपने कहा है कि अब जरूरत पड़ेगी संविधान को बचाने के लिए, तो चंबल में खून बहाने की तैयार होता है? आज भी तैयार हूँ, बिल्कुल। संविधान के ऊपर अगर इन्होंने उंगली उठाई, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, सरकार ने, तो करोड़ों लोग, इतने करोड़ लोग हैं आप सुनकर के दंग रह जाएंगे, इतने करोड़ लोग अपना लहू बहा करके चंबल को बहा देंगे। धमतरी में रफ्तार का कहर सामने आया। एक तेज रफ्तार बाइक एक पुल से जा टकराई और इस हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। सिहावा थाना इलाके की ये पूरी घटना है। रफ्तार का कहर सामने आया। इधर टीकमगढ़ में किसान ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की है और कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर इसने जहर खा लिया। किसान की जमीन पर दबंगों का कब्जा है। कई बार तहसीलदार को आवेदन दिया, कोई हल नहीं निकला, तो आखिरकार यह आत्मघाती कदम इसने उठाया। हालत इसकी गंभीर है, जिला अस्पताल में इलाज जारी है। सूरजपुर में 10वीं और 12वीं की प्रैक्टिकल परीक्षा के दौरान छात्र खुलेआम नकल करते नजर आए। इतना ही नहीं, परीक्षा की ड्यूटी में तैनात शिक्षक भी नकल में छात्रों को मदद कर रहे थे। मामला सूरजपुर के बड़सरा हायर सेकेंडरी स्कूल का है। खबर श्योपुर से, जहां 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षाओं में खुलेआम नकल का मामला सामने आया। खुलेआम नकल का एक वीडियो भी सामने आया है। इसमें नजर आता है कि शिक्षक ही बच्चों को नकल करा रहे हैं, उनकी कॉपी लिख रहे हैं। अब जिम्मेदारी यह सफाई दे रहे हैं कि परीक्षा जैसे कार्य में इस तरह की लापरवाही करने वाले शिक्षकों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मामला जिले के श्योपुर के टर्रा कला संकुल के अंतर्गत आने वाला मिलावली गांव के परीक्षा केंद्र का है। रीवा के समान थाना इलाके के भरा मोहल्ले में पेट्रोल पंप पर दो पक्षों के बीच मारपीट का मामला सामने आया। एक युवती हाथ में डंडा लेकर आती है, युवक की पिटाई करती है। युवती के साथ दो युवक भी हैं, वो भी युवती का साथ देते हैं। उमरिया में प्रसव के दौरान एक बैगा आदिवासी जच्चा बच्चा की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा खड़ा कर दिया। मामला करकेली के स्वास्थ्य केंद्र का है। करकेली कहां है? उमरिया। उमरिया के करकेली स्वास्थ्य केंद्र का एक महिला को प्रसव पीड़ा के बाद भर्ती कराया गया। प्रसव पूर्व ही जच्चा बच्चा की मौत हो गई। लापरवाही की हद ये कि जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जिला अस्पताल पहुंचते ही पोल खुल गई, हंगामा शुरू हो गया। प्रशासन मौके पर पहुंचा, टीम गठित की गई है। खरगोन के औरंगपुरा इलाके में अधूरी सड़क निर्माण को लेकर लोग सड़क पर उतर आए, जमकर हंगामा किया, रैली निकाली, नगरपालिका पहुंचे, नारेबाजी की, पुतला फूंका, नगरपालिका दफ्तर में घुस गए। नगरपालिका अध्यक्ष छाया जोशी के कक्ष के बाहर धरने पर बैठ गए। इंजीनियर ने समझाया, तब धरना खत्म हुआ। बिलासपुर के कोटा में मिली महिला के लाश के मामले में पुलिस के पास कोई सुराग नहीं। 45 वर्षीय महिला की हालत बिना कपड़ों के ये लाश मिली थी। मुंह में कपड़ा ठूसा हुआ था, शरीर पर चोट के निशान है। संदेहियों से पूछताछ की गई है। दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। पीएम रिपोर्ट मिलने के बाद मामला साफ होगा। बिलासपुर के खमतरी प्राथमिक स्कूल में खसरे का संक्रमण हो गया। स्कूल में 14 बच्चे खसरा संक्रमित मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। सर्वे के दौरान 7 नए संक्रमित बच्चों की पहचान हुई। सैंपल लेकर जांच के लिए जबलपुर भेजे गए हैं। स्कूलों को अलर्ट कर दिया गया है। कल
अंबिकापुर में फरार शराब तस्कर ने कोर्ट में सरेंडर किया। 2 महीने पहले आबकारी विभाग की हिरासत से फरार हुआ था, तब से लगातार तलाश की जा रही थी। और सीगन पैकरा, इसके घर दबिश दी गई थी, 33 पेटी अवैध शराब जब्त की गई थी। राजनांदगांव में स्पेशल कोर्ट ने कलेक्टर की गाड़ी कुर्क करने का फैसला सुनाया। दरअसल मकान तोड़ने का मुआवजा नहीं देने पर यह फैसला सुनाया गया। पीड़ित ने प्रशासन से 27,16,000 का मुआवजा मांगा था। मध्य प्रदेश सरकार की कन्यादान योजना से मिलने वाली राशि का खूब मजाक बनाया जा रहा है। मामला मुरैना के पहाड़गढ़ ब्लॉक का है। कन्यादान योजना के तहत एक सम्मेलन में आयोजित कर 26 जोड़ों का विवाह कराया जाना था। सम्मेलन में ज्यादातर रजिस्ट्रेशन शादीशुदा जोड़ों ने करवा दिया, सम्मेलन निरस्त कर दिया गया। कटनी में आदिवासी युवक को निर्वस्त्र कर बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया। बड़वारा थाने के गुड़ा जमुनिया निवासी अभिषेक सिंह गौंड ने बड़वारा थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। खदान के मैनेजर ने डीजल चोरी का आरोप लगाकर उसके साथ मारपीट की है, बेरहमी से पीटा है। वो 2 दिन तक जंगल में छिपा रहा, फिर शिकायत करवाई। बैतूल की तवा 3 कोयला खदान को लेकर नई मुसीबत सामने आ गई है। गांधी ग्राम सहित कई गांवों के किसान आंदोलित हो गए। सड़क निर्माण के लिए जमीन देने से मना कर दिया, अधिकारियों से बहस भी की। अधिकारी बेरंग लौटे हैं। नर्सिंग छात्रों के लिए खुशखबरी, 4 साल बाद नर्सिंग कॉलेजों की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। मेडिकल यूनिवर्सिटी ने टाइम टेबल जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की रिपोर्ट के आधार पर कुछ कॉलेजों को क्लीन चिट दी थी। इसके बाद सुटेबल कैटेगरी के कॉलेजों की परीक्षाएं करवाने के लिए टाइम टेबल जारी हुआ। छतरपुर में पीएनसी कंपनी पर कलेक्टर ने भारी भरकम जुर्माना किया है। कलेक्टर संदीप जी आर ने अवैध खनन मामले में पीएनसी कंपनी पर 1,04,29,00,000 रुपए का जुर्माना ठोका है। अंबिकापुर की बात करेंगे। महामाया पहाड़ ऑक्सीजन पार्क का नाम अब बदल जाएगा, इसका नाम अब गणपति धाम होगा। सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है, समिति सदस्यों ने खुशी जताई है। मंडला जिले के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मुख्य शाखा में फर्जी तरीके से नौकरी का मामला सामने आया है। युवती गिरफ्तार की गई है। युवती का एग्जाम किसी और ने दिया और नौकरी वो यहां कर रही थी। प्रीतम बाई इसका नाम है, राजस्थान के करौली की रहने वाली है। खुलासा तब हुआ जब युवती के बैंक में भर्ती होने की फाइल खंगाली गई। सिवनी में बुधवार रात 8:03 पर तेज आवाज के साथ भूकंप के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए, अफरा तफरी मच गई। 3.6 रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता थी। 5 किलोमीटर गहराई में इसका केंद्र बताया जा रहा है। खरगोन के बड़वाह रेलवे स्टेशन पर सांप निकलने से स्टाफ में और यात्रियों में हड़कंप मच गया। यह सांप रिजर्वेशन काउंटर के बाहर देखा गया। सांप को देखते ही कर्मचारियों में दहशत फैल गई। आनन फानन में सर्प मित्र टोनी शर्मा को सूचना दी गई। टोनी शर्मा पहुंचे, सांप का रेस्क्यू किया और फिर उसे जंगल में छोड़ दिया। बड़वाह रेलवे स्टेशन पर लंबे वक्त तक इस घटना को लेकर चर्चा होती रही। पिछले 3 दिनों से कातिल की तलाश जारी है। जिस हत्यारे ने महिला का बेडरूम में मर्डर किया और एक लेटर भी छोड़ा है जिसमें लिखा है जुर्म का कबूलनामा। बेडरूम में महिला का मर्डर, तकिए से मुंह दबाया, राज न छुपा पाया। बिलासपुर टू अयोध्या, कातिल की तलाश। लेटर छोड़कर भागा हत्यारा, खत में जुर्म का कबूलनामा। मैं सुसाइड करने जा रहा हूँ। ये इलाका है सनफ्लावर कॉलोनी नया पारा।
जिस इलाके में इस घर में एक खौफनाक राज दफन था। कमरे में दाखिल होते ही किसी अनहोनी की आहट सुनाई देती है। बैठक रूम में टेबल पर खाने को दो थालियां रखी हुई है। खिलौने दिखाई दे रहे हैं, घर का कुछ सामान भी बिखरा हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही पुलिस की नजर बेडरूम पर पड़ती है, तस्वीर होश उड़ा देने वाली थी। बेडरूम में एक महिला की लाश मिली। ये लाश थी 40 साल की श्वेता सेठी की। श्वेता को मौत की नींद सुलाया गया। क्या लूट के इरादे से कत्ल की ये वारदात हुई? कई सवाल थे और राज इसी घर में था। आरोपी लेटर छोड़कर गया था, जिस लेटर में आरोपी ने अपने जुर्म का कबूलनामा किया है और ये लिखा है वो अयोध्या जा रहा है सुसाइड करने। इधर पुलिस की एक टीम पिछले 3 दिन से अयोध्या में डेरा डाली हुई है। आरोपी की तलाश जारी है। मोबाइल से आरोपी की लोकेशन अयोध्या में मिली। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए अपराध पंजीबद्ध किया है और उसके पता तलाश के लिए टीम अयोध्या रवाना की जा चुकी है और इसमें मोबाइल लोकेशन CDR का भी एनालिसिस किया जा रहा है। आखिर उस लेटर में लिखा क्या है, वो कातिल कौन है? दरअसल श्वेता की हत्या का आरोप उसके पति जितेंद्र सेठी पर लगा है, जिसने लेटर में लिखा है वो पत्नी से परेशान हो गया था। एक मर्ग रिपोर्ट आई थी जिसमें पति ने जो है पत्नी की हत्या करके एक उसका हत्या के लिए एक नोट भी लिखा हुआ है, जिसमें उसने लिखा है कि वो पत्नी से परेशान था और जिसके कारण उसका हत्या करके वो स्वयं जो है अयोध्या जा रहा है और वहां जा करके वो स्वयं भी आत्महत्या कर लेगा। वारदात से पहले जितेंद्र अपने दोनों बच्चों को बड़े भाई के घर छोड़कर आया। ये भी कहा कि श्वेता की तबीयत ठीक नहीं है, उसे अस्पताल ले जाना है। साथ ये भी कि कल बच्चों का एग्जाम है, अगर नहीं आया तो चाबी कहाँ रखी है ये भी बता कर गया है। हत्या की वजह जो है दोनों पति पत्नी में आपसी पारिवारिक विवाद है। अब अयोध्या में आरोपी की तलाश जारी है। आखिर वो कहाँ है वो तो पुलिस ही पता करेगी। बिलासपुर से उमेश मौर्य के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है।